हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फन विद स्पाइसेस। आज काफ़ी टाइम के बाद मैं आप सबके साथ कनेक्ट हो रही हूँ और आप सबके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही अनोखी रेसिपी जो कि प्याज से बनती है। तो चलिए देख लेते हैं रेसिपी। इसके लिए हमें चाहिए होंगे प्याज। मैं नॉर्मल प्याज ले रही हूँ जो मोस्टली हमारे घर पर होता है। इसको हम छील लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम इसको छील लेंगे। सभी प्याज को छीलने के बाद इस तरह से गोल शेप की कट कर लेंगे। फर्स्ट पार्ट थोड़ा सा ऐसा निकला है, जो बीच के पार्ट्स होंगे वो क्लियर निकलेंगे। ये देखिए, सभी प्याज को हम इसी तरह कट कर लेंगे। ये देखिए, मैंने सभी प्याज के टुकड़े कट कर लिए हैं। कुछ जो हैं वो थोड़ा सा शेप ख़राब भी हो रही थी, बट इसमें कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है। इजीली हम इसको बना सकते हैं। और हमें चाहिए होगा ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम की रेसिपी जो है वो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। 4 टेबलस्पून मैं मैदा यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर, नॉर्मली मैदा जो होता है। और इसी में हम 4 टेबलस्पून कॉर्न स्टार्च मिक्स कर लेंगे। इस मिक्सचर को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये देखिए, इस तरह से एक पार्ट में हम इसको निकाल लेंगे। जो लेफ्ट ओवर पार्ट है, इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी करके एक घोल बना लेंगे। घोल ना तो ज़्यादा पतला होना चाहिए, ना तो ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। ये देखिए, अच्छे से इसको हम घोल में बना लेंगे। ये देखिए, घोल बन के तैयार हो गया है। अब हम प्याज की जो स्लाइसेस हैं इसको पहले सूखे मिक्सचर में डिप करेंगे। मोस्टली क्या होता है कि सब गीले मिक्सचर में डिप करके देन ब्रेड क्रम से कोट कर देते हैं। उससे क्या होता है, प्रॉपर क्रिस्पी बन नहीं आता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले ड्राई मिक्सचर में, देन जो हमारा वेट मिक्सचर है इसमें हम डुबो लेंगे। अब इसको हम ब्रेड क्रम्स पे कोट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से आप सबने करना है, ब्रेड क्रम से कोट कर लेंगे इसको हम। ये देखिए, हमारा जो प्याज का नगेट्स है वो बन के रेडी हो गया है। इसको आप फ्रीज करके भी रख सकते हैं किसी कंटेनर में। ये देखिए, मैंने सभी बना लिए हैं। अब हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैं यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी एडिबल ऑयल यूज़ कर सकते हैं। इसको हम एक एक करके कढ़ाई में ऐड कर रहे हैं और फ्राई कर रहे हैं। पलट पलट के हम इसको फ्राई करते रहेंगे जब तक ये गोल्डन कलर के ना हो जाए। गोल्डन ब्राउन होने तक इसको हम फ्राई करते रहेंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है। अब इसको हम टॉल पेपर पे निकाल लेंगे। ये देखिए कितना क्रिस्पी लुक है इसका, और खाने में भी बहुत लाजवाब है। आप इसको चाय के साथ, सॉस के साथ या चटनी के साथ किसी तरह से भी सर्व कर सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट एंड लाइक करना मत भूलिएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू।